फिर ये पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, ये वाला क्वेश्चन। इसका हमने लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड कर लिया था, है ना। और इसका मैंने सेंटर लाइन मेथड आप लोगों को से खुद करने को कहा था, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये, अगर इन केस किसी को कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन में तो, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या क्या निकालना था। सबसे पहली बात तो हमारे पास दो रूम्स हैं यहाँ पे, 4 मीटर को 6 मीटर के, और एक रूम है 6 मीटर को 6 मीटर का, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्प्रिंट हो गया है यहाँ पे, वो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो दो रूम्स है हमारे पास, एक रूम है 4 मीटर को 6 मीटर का और एक रूम है 6 मीटर को 6 मीटर का, ठीक है। हमें अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन निकालना है, लाइम कॉन्क्रीटिंग निकालनी है। मैंने पहले बताया था लाइम कॉन्क्रीटिंग क्या होती है, ये है लाइम कॉन्क्रीटिंग आपकी, ठीक है। फिर ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार 1:6 का, ठीक है। इसमें देखो आपका ब्रिक ब्रिक मोर्टार का जो स्ट्रेंथ है वो फाउंडेशन में और सुपर स्ट्रक्चर में दोनों में सेम है, ठीक है। फिर 2.5 सेंटीमीटर डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स के लिए मैंने बताया था इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी विड्थ होती है प्लिंथ जितनी, जितनी आपकी प्लिंथ की विड्थ होती है, ठीक है। बाकी अगर आपको पता है कि प्लिंथ के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का वॉल का थिकनेस क्या है एग्जैक्टली और कहाँ पर आएगा, तो आप वॉल थिकनेस भी दे सकते हैं, ना जनरली आपका जो प्लिंथ होता है वो प्लिंथ का जो विड्थ होता है वही आपका डीपीसी का भी विड्थ होता है, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है तो इसलिए तो किसमें हम किसमें मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में, ठीक है, क्यूबिक मीटर में नहीं, ठीक है। चलिए फिर, इतना कुछ रिवाइज हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो सेंटर लाइन मेथड कर रहे हैं हम, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका भी किस लेवल पे होगा, रूम के लेवल पे होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपका लॉन्ग वॉल का, ठीक है, इसमें तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल है नहीं आपका, तो टोटल जो तो आपका शॉर्ट वॉल है एंड लॉन्ग वॉल है सबका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, यहाँ पे चार्ट पे कोई बदमाशी कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अमन सिंह रावत जो भी है ये मत करो, ठीक है। चलो, तो ये आपका सेंटर लाइन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप लॉन्ग वॉल का निकालेंगे फिर शॉर्ट वॉल का निकालेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये 4 है, तो इस 4 का यहाँ से भी आप लेंगे 0.3/2, यहाँ से भी लेंगे 0.3/2। ये 6 मीटर है तो इसका भी यहाँ से 0.3/2, यहाँ से 0.3/2, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, 6.3 हो गया एक साइड का, ठीक है। एक रूम का लॉन्ग वॉल का क्या हो गया, 4.3, ठीक है। ये 4.3 कितनी बार आएगा, एक ये है 4, ठीक है, एक ये 4 मीटर है, ठीक है, और ये कितना है, ये 6 मीटर है। तो 6.3 और प्लस 4.3 कितना हो गया लॉन्ग वॉल का, 10.6, ठीक है, ठीक है। और कितनी बार आया, यहाँ पर एक लॉन्ग वॉल है, यहाँ पर एक लॉन्ग वॉल है, तो ×2, ठीक है। और फिर शॉर्ट वॉल का क्या होगा, शॉर्ट वॉल का ये आपका 6 मीटर है, ठीक है, ये आपका 6 मीटर, ये भी आपका 6 मीटर है, ठीक है। और 0.3 0.3 दोनों में ऐड करना ही है हमें, तो वो कितना हो जाएगा आपका 6.3, ठीक है। यहाँ पर एक 6.3 है, यहाँ पर एक 6.3 है और यहाँ पर एक 6.3 है, ठीक है, ×3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए सबको, ठीक है। चलिए फिर ये आ गया हमारे पास। चलिए फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, सीधा अर्थवर्क निकालना है, ठीक है। तो टोटल सेंटर डिस्टेंस हमारा कितना है, 40.1, ठीक है। अब देखिए एक्सकेवेशन में इनने क्या किया है, देखिए 1.1 अंदर आए हैं, ये देख रहे हो, ये टोटल सेंटर लाइन डिस्टेंस 40.1 का है ही हमारा, हाँ। वो देखो आदित्य प्रकाश, मैंने पहले ही कहा था कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आपका आपके ऊपर है किसको आप मान रहे हैं, ठीक है। आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस टोटल जो है वो आपका आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता किसको लॉन्ग वॉल मान रहे हैं, किसको शॉर्ट वॉल मान रहे हैं, ठीक है। वैसे भी ये सेंटर लाइन मेथड में तो किसी को भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मानी है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर, लेंथ ब्रेथ की 1.10 मीटर आ गई, ठीक है। और इसका हाइट कितना होगा एक्सकेवेशन का, देखो
हाई कितना होगा, 30, 20, 10, 10, 10, कितना हो गया, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और है यहाँ पे, ठीक है, फिर टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपका 1 मीटर की हाइट हो गया एक्सकेवेशन की, ठीक है। अरे एक्सकेवेशन में नहीं करेंगे ना ये, जो अभी हम लेंथ किसके लिए यूज कर रहे हैं, एक्सकेवेशन में, तो एक्सकेवेशन में तो उतना एक्सकेवेट होगा ना, जब हम सुपर स्ट्रक्चर का ब्रेक वर्क लेंगे उसमें हम लोग डोर्स का और विंडोज का और जो भी शेल्फ गिवन है वो सब हम घटाएंगे उसमें, ठीक है, ठीक है, उसमें हम ये घटाएंगे, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का जो ब्रिक वर्क होगा उसमें घटाएंगे ना हम। सुपर स्ट्रक्चर ये है आपका, जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे तब हम रिडक्शंस करेंगे, जब हम तब तक हम प्लिंथ के नीचे हैं तब तक तो सब कुछ हमें करना ही है, सब लेंथ में आपका दरवाजा थोड़ी ना हवा में खड़ा हो जाएगा, उसके नीचे प्लिंथ वॉल तो लगेगी, तो प्लिंथ वॉल में रिडक्शन नहीं होगा, तो आपका सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क है उसमें आपका रिडक्शन होगा डोर्स के लिए, विंडोज के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए फिर तो आपका फिर एक्सकेवेशन हो गया, उसके बाद आपको लाइम कंक्रीटिंग है। अब देखिए लाइम कंक्रीटिंग का लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ और ब्रेथ ये तो सेम ही रहेगा जो एक्सकेवेशन में है ना, इसमें क्या बदल जाएगा, बस स्टेप बदल जाएगी, ठीक है, लेंथ सेम एज अबव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर का था, ये 0.3 मीटर का है, या तो आप इससे 0.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे 0.3 रख दीजिए, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। तो ये आपको देखो ध्यान रखना है हमेशा, आपकी लाइन कंक्रीटिंग होती है उसका जो लेंथ होता है आपका, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जो होती है लाइन कंक्रीटिंग की, सबसे नीचे होता है वो, उसका लेंथ और ब्रेथ जो होता है वो जनरली एक्सकेवेशन के इतना ही होता है, ठीक है, एक्सकेवेशन में जो आप लेंथ और ब्रेथ यूज करते हैं उसके जितना ही इसका लेंथ और ब्रेथ भी होता है, ठीक है, लाइम कंक्रीटिंग का, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है इसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब चलिए अब यहां पे देखिए, अब आप देखेंगे कि यहां पर धीरे धीरे लेंथ में फेरबदल हो रहा है, देख रहे हो, आपका जब धीरे धीरे सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड में आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो तो आपके लेंथ में फेर बदल हो रहा है, ये कोई बता सकते क्यों हो रहा है, बताओ, देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग यहां तक पहुंचे थे, ठीक है, देखिए हम लोग जब लॉन्ग वॉल करते हैं तब तो हम एक 1.10 ऐड करते हैं दोनों तरफ से, है ना, और शॉर्ट वॉल के लिए हम अंदर जाते हैं, लॉन्ग वॉल के लिए बाहर, शॉर्ट वॉल के लिए अंदर, तो आपका जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से जो आपने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लेंथ वगैरह निकाले थे, है ना, वो सेम चीज यहाँ पर भी तो लेंथ उतनी होनी चाहिए। देखिए सुजीत पाल कैसे आया बताता हूं मैं आपको, इसी क्वेश्चन में आप हम लोगों ने जब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड किया था, इसी क्वेश्चन में टू रूम वाले सेट में जब हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल किया था तो उसमें आपका लेंथ कितना आया था, उसमें भी तो आपका जो लेंथ था वो 39 मीटर ही आया था एक्सकेवेशन में, नहीं आया था, बताओ, देखो देखिए टोटल जो लेंथ है इनकी, ये जो टोटल लेंथ है इसको अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, 2 × 11.7 + 3 × 5.2, ठीक है, तो ये, ठीक है, ये तकरीबन आपका उतना ही आएगा, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है, ये आपका 39 मीटर ही आएगा, तो जो आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से आ रहा है उतना ही तो आपका सेंटर लाइन मेथड से आना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो क्वांटिटी है, ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये आपकी चाहे आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करो, ठीक है, चाहे आप सेंटर लाइन मेथड से करो, दोनों का आंसर तो सेम ही आना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि हमने सेंटर लाइन मेथड से किस कहाँ पे गए थे हम,
यहाँ पर गए थे, रूम के लेवल पे हैंड प्लान निकाला था ना हमने, रूम के लेवल पे एक्सकेवेशन में, तो एक्सकेवेशन में इतना लेंथ थोड़ी है हमारे पास, समझ रहे हो आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जंक्शंस, जंक्शंस दिख रहे हैं कि नहीं आपको। मैं वो क्या कहा था कि यहाँ पर जंक्शंस को हम डिटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ मेरे को। यहाँ पर जंक्शन है, ठीक है, आपको अगर याद हो पिछले क्लास में, यहाँ पर हमारे जंक्शन थे मेन वॉल्स में, तो ये जंक्शन तो डिटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, बट इन जंक्शन को हम डिटेक्ट किए थे क्या यहाँ पे? देखो क्या हमने जंक्शन डिटेक्ट किया था? बिल्कुल सही अमन सिंह रावत, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। आप लोग समझे कि नहीं समझाइए, हमने यहाँ पे जंक्शन, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको सेल्फ सेल्फ से करने के लिए दिया था, ये आपके जंक्शन यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुए ना, जंक्शन कहाँ डिडक्ट हुए हैं यहाँ पे? तो मैंने कहा था ये आपका इनर वॉल है और ये आपका मेन वॉल है, ठीक है, आपने मेन वॉल का सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, ठीक है, और आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले लिया, ठीक है, पर जो इनर वॉल है उसका भी तो आपने सेंटर सेंटर लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, तो ये देखिए जंक्शन बना कि नहीं, ये आपके दो जंक्शन बने कि नहीं बने, ठीक है। और हर एक जंक्शन में हम सेंटर लाइन मेथड में कितना लेंथ डिटेक्ट करते हैं ये बताओ, जो आपकी विड्थ होती है मेन वॉल की उसका बाई टू उतना डिटेक्ट करते हैं, है कि नहीं? अब जो इसकी विड्थ है, इस एरिया की विड्थ आपके, ये मुझे जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन है तभी समझ में आएगा मेरे को कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो एरिया है, इस एरिया में जो जहां जंक्शन बन रहा है, इस एरिया का विड्थ एट द लेवल ऑफ फाउंडेशन यहाँ पे, इस एरिया की विड्थ यहाँ पे कितनी है बताओ? विड्थ इसकी, विड्थ एट एक्सकेवेशन लेवल बताओ कितनी है? बताओ 1.1, ठीक है, आप समझ में आया? तो देखिए यहां से आधा विड्थ हम घटाएंगे, यहां से आधा विड्थ हम घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 40.1, ठीक है, माइनस पॉइंट, ओ एक पॉइंट नहीं है सॉरी, ठीक है, 1.10 बाई टू माइनस 1.10 बाई टू। मैं इसलिए बहुत देर से बता नहीं रहा था लेंथ का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मुझे देखना था कि आप लोग समझ पाए हो कि नहीं, समझ गए थे। किस लेवल पे होगा ये डिडक्शन? ये डिडक्शन होगा आपका लाइम कंक्रीट के लेवल पे, ठीक है। सिमिलरली ये 70 सेंटीमीटर वाले लेवल पे कितना डिडक्शन होगा आपका बताओ? 40.1, ठीक है, माइनस टू, जंक्शंस दो हैं और हर जंक्शन में कितना घटाना है हमें? विड्थ बाई टू, कितना घटाना है? विड्थ बाई टू, ठीक है, तो टू से टू कट गया, 0.7 कट गया, ये कितना आ जाएगा? 33.4, 39.4 सॉरी, 39.4। ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो कम से कम 5 लोग यस बोलो तभी समझ में आएगा मेरे को, ये चीज 39 कैसे आ रही है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना ये आपके जंक्शंस माइनस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके जंक्शंस डिडक्ट, डिडक्शन डिडक्शन ऑफ जंक्शंस एट एक्सकेवेशन लेवल, एट एक्सकेवेशन लेवल, समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, ठीक है, और ये दो क्या है? दो दो क्या है? जंक्शंस, जंक्शंस बिटवीन इनर एंड मेन वॉल, ठीक है, ठीक है, चलो मेरे ख्याल समझ गए सब लोग, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया है, ठीक
ठीक है, ऐसे ही आपका और सब में भी करना है। ठीक है, तो 80, सबसे पहले आपके लाइन कॉन्क्रीट के ऊपर किस कौन सा फुटिंग है, 80 सेंटीमीटर वाला फुटिंग, पहले ये डिडक्ट हुआ। ठीक है, 39.3 पे पहुंच गए हम, फिर 0.7 वाला डिडक्ट हुआ, ठीक है, फिर 0.6 वाला हुआ, फिर 0.5 वाला हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम पहुंचते गए। ठीक है, अब देखोगे बस ये लेंथ पे ही आपका कंफ्यूजन है, ये लेंथ ही आपका मेन है। ठीक है, लेंथ आ गया, उसके बाद आपको विड्थ और हाइट तो ड्रॉइंग से मिल जाएगी। ठीक है, विड्थ और हाइट ड्रॉइंग से मिल जाएगी, तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, यही समझना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने वन रूम सेट का निकाला था सेंटर लाइन मेथड, उसमें जंक्शंस भी हमने माइनस किए थे बाद में, आपको यहाँ पर ध्यान नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, फिर डैम प्रूफ कोर्स है। ठीक है, तो डैम प्रूफ कोर्स में अब जाके वो जो मेरे को पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सर हमने डोज डिडक्ट क्यों नहीं किए, तो हम कहाँ पे करते हैं डिडक्शन, कहाँ शुरू करते हैं, डिडक्शन फॉर डोर्स आर स्टार्टेड अबव प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के बाद, प्लिंथ लेवल के ऊपर जितनी भी चीजें करते हैं हम, चाहे वो डैम प्रूफ कोर्स हो, चाहे वो सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क हो, ठीक है, अबव प्लिंथ लेवल डिडक्शन आर स्टार्टेड, डिडक्शन फॉर विंडोज एंड डोर्स। ठीक है, डोर्स विंडोज, चाहे वो शेल्फ हो, एस मतलब मैंने बताया था शेल्फ, ठीक है, शेल्फ होता है, मैंने बताया था क्या होता है शेल्फ। ठीक है, और शेल्फ का हो, चाहे डोर्स का हो, चाहे विंडोज का हो, सबका डायमेंशन हमें गिवन है। ठीक है, चलिए फिर तो, हाँ सुपर स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सही, सुपर स्ट्रक्चर में ही, क्योंकि देखो चाहे वो दरवाजा हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो शेल्फ हो, होगा तो सुपर स्ट्रक्चर में ना, तो उसके नीचे जो भी चीजें है वो प्लिंथ में है, प्लिंथ में तो सब कुछ बनाएंगे ना हम, प्लिंथ में थोड़ी बताएंगे कि यार यहाँ पे दरवाजा आएगा, यहाँ प्लिंथ की मत बनाओ, दरवाजा किस पे रेस्ट करेगा। ठीक है, चलिए फिर, और ये देखिए ब्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये समझना है कि डैम प्रूफ कोर्स का जो ब्रेट है वो आपका प्लिंथ लेवल वाला ही ब्रेट होगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू प्लिंथ लेवल ब्रेट। ठीक है, प्लिंथ लेवल में जो ब्रेट है आपका, ब्रेट है चाहे विड्थ बोल लो, जो बोल लो इसको, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए कौन से डायमेंशन की बात हो रही है। तो प्लिंथ का हुआ 40 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, तो बस डीपीसी हमारी हो गई। ठीक है, तो देखो, और इसका लेंथ भी वही होगा, हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आया था, 40.1 माइनस दो जंक्शन, दो इंटू प्लिंथ लेवल बाई टू। ठीक है, ये आ गया 39.7, फिर से मैंने आपको जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट रिपीट करा दिया। ठीक है, ये दो जंक्शन है हमारे। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी गिवन है रिमार्क्स में। ठीक है, रिमार्क्स में सिर्फ कैलकुलेशन दिखानी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर ब्रैकेट में लिख दो कि जंक्शन है ये। ठीक है, या फिर अपने बुक में पेंसिल से लिख दो ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर डिडक्शन हुआ किस लिए है। ठीक है, ठीक है, बस अब उसके बाद क्या करना है, डोर सेल आपको डिडक्ट करना है। कितने दरवाजे हैं, सबसे पहले बात देखो, दो दरवाजे, तो नंबर्स में आ गए दो। ठीक है, और दरवाजे क्या, दो चीजें होती है दरवाजे की, एक तो विड्थ होती है, ठीक है, और एक होती है हाइट। ठीक है, तो हाइट कितनी है, देखो आपको अगर डायमेंशन ऐसे गिवन है और गिवन नहीं है क्या हाइट है क्या विड्थ है, तो जो ज्यादा होता है ना वही हाइट होती है। ठीक है, वैसे भी ऑब्वियस ही बात है यार, देखो 1.7 टू 1.8 मीटर के बच्चे तो वैसे ही होते हैं, उससे तो ज्यादा होना ही चाहिए उसका हाइट, तो हाइट इसका 2.1 है। ठीक है, और विड्थ इसकी 1.2 मीटर है। ठीक है, तो 1.2 मीटर इंटू जो ब्रिक वर्क की विड्थ है। ठीक है, ब्रिक वर्क की विड्थ कितनी है हमारी सुपर स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क की विड्थ, सॉरी सुपर स्ट्रक्चर में नहीं, हम तो डीपीसी की बात कर रहे हैं ना, तो डीपीसी आपका प्लिंथ के ऊपर जाएगा, तो उसमें प्लिंथ का विड्थ माइनस करेंगे आप। ठीक है, प्लिंथ का, ठीक है, तो 1.2 इंटू 4, और कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स के डोर्स हैं। ठीक है, तो बस डिडक्ट हो जाएगा डीपीसी में। ठीक है, डीपीसी के पास क्या रहता है, बस सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क। ठीक है, बस सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क आ गया। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क में 39.8 कैसे आया लेंथ, आपको पता चली गया होगा। ठीक है, दो जंक्शन है, नंबर ऑफ जंक्शन आर टू, और हर जंक्शन में हमें मेन वॉल का जो थिकनेस है उसका बाई हाफ माइनस करना होता है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जंक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर हो गया ये आपका, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे भी होमवर्क पर दिया था। ठीक है, आपका हो गया, शिफ्ट मार मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है 7 कैसे आया। ठीक है, आपका प्लिंथ लेवल पे आपके जो विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर है।
ठीक है, और जंक्शन हमारे दो हैं, तो विड्थ का हाफ हम हर जंक्शन में काटते हैं, ठीक है। तो हाँ बस ठीक है, तो 0.4/2, 0.4/2 काट दोगे, आपका 0.7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब जाके हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपके दो रूम्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर भी कर रखा है 1, 2, ठीक है। तो इसकी 4 मीटर किस साइड में है, 3.5 मीटर किस साइड में है, देख देख देखना आप, ठीक है। ये भी 4 मीटर है, ठीक है। तो आपके दो रूम्स टोटल, ठीक है, 4 मीटर क्रॉस 3.5 मीटर का एक, और एक 4 मीटर क्रॉस 4 मीटर का एक, ठीक है। डोर्स और चौखट सबका आपका आपको डायमेंशन गिवन है, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें दो रूम है, बरांडा भी है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या समझेंगे, देखिए आप देखेंगे एक ए है यहाँ पे, ए, और यहाँ पर एक बी है, इसका मतलब है सेक्शन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो मतलब ऐसे इसने इस रूम को ऐसे काटा, ठीक है, मैं अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। ए बी मतलब इस रूम को इसने ऐसे काटा, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े होके इसको ऐसे देख रहे हो, समझ गए, सेक्शन एलिवेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसे काटा इसने, और यहाँ आपकी आंखें हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको देख रहे हो, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, ये है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, हाफ सेक्शनल एलिवेशन। इसका मतलब क्या होता है, ए बी अलग है, सी डी अलग है, ठीक है। पहले हम ए बी को समझते हैं, ए बी कहाँ पर है, लेफ्ट में है, तो ये है आपका ए बी, ठीक है, ये है आपका ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे विंडोज है, यहाँ पर भी आपको दो विंडोज दिख रहे हैं, एक दो, ठीक है। आपकी ऊपर स्लैब है, ठीक है, ठीक है, और इसमें आपको एलिवेशन, एलिवेशन में आपको इसकी फाउंडेशन भी दिख रही है, ठीक है। रूम्स के इन दोनों, ये दो वॉल्स भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो वॉल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, फाउंडेशन भी दिख रही है, और यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये एक्स्ट्रा चीज आई है, फिलिंग। मैंने क्या बताया था आपको, आपका अगर प्लिंथ प्लिंथ बीम काफी ऊपर तक जा रहा है ग्राउंड लेवल के, ठीक है, ये देखो ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, और मैंने बताया था आपको जो प्लिंथ बीम होता है, ये आपका प्लिंथ बीम, पी भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, ठीक है, तो प्लिंथ बीम जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है और रूम यहाँ पर है, ये तो एम्प्टी स्पेस रह गया ना, ये तो एम्प्टी स्पेस रह गया, यहाँ पे हम फिलिंग करते हैं। मैंने बताया था सॉइल फिलिंग, सॉइल फिलिंग। तो जनरली जो आप एक्सकेवेशन करते हो उसी से जो सॉइल बच जाता है उसको हम फिलिंग में यूज करते हैं, ठीक है। फिलिंग कुछ नहीं है, बस उसको यहाँ पे हम सॉइल को फिल करके, ठीक है, उसको हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसके ऊपर रूम अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी वो है, वो चीज है फिलिंग, ठीक है। तो आपको मेरे क्या समझ में आ गया, सेक्शन ए भी समझ में आ गया, उसके बाद क्या लिखा है, सी डी। अब ढूंढो भाई, सीडी कहाँ पर है, सीडी कहाँ पर है, ये रहा सीडी, ठीक है। इसका मतलब है सीडी ने यहाँ से काटना स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से काटना स्टार्ट किया है, और आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हो इसको, ठीक है। तो जब वो किसका दिख रहा है आपको, आपको जो बालकनी है, बरांडा मतलब बालकनी, ठीक है, बालकनी में आपको सामने, इसको बालकनी बोल लो चाहे अब इसको ओपन स्पेस समझ लो, तो बाहर होता है, जैसे पिलर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका आधा हमें दिख रहा है, इसको मतलब यहां से शुरू हो रहा है ये बरांडा, ठीक है। ये मत समझना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सामने से घर को अगर देखते हो, ये आपका दरवाजा है, ठीक है, ये आपका दरवाजा है, ये आपका विंडो है, ठीक है, ये आपका विंडो, ये वाला विंडो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला विंडो ये आपको दिख रहा है, ये वाला दरवाजा आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये कुछ पिलर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 15 सेंटीमीटर डाया आरसीसी कॉलम्स, ठीक है, तो ये वो कॉलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है स्टेप्स आपको, तो ये वो सीढ़ियां हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये वाला सेक्शन दिया ही क्यों हुआ है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्यों दिया है, क्योंकि स्टेप्स का आपको हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 15 सेंटीमीटर का हाइट है, यहाँ पे देखो गिवन है ना आपका ट्रेड 30 सेंटीमीटर एंड राइज 15 सेंटीमीटर। आप स्टेयर्स में समझते हैं ना ट्रेड और राइज क्या होता है, देखिए अगर आप स्टेयर्स को साइड से देखे तो ऐसे दिखता है स्टेयर्स, ठीक है। तो ये आपका होता है राइज, ठीक है, आपको बिल्डिंग सिस्टम पढ़ाया होगा कपिल सर ने, ठीक है, ये होता है राइज, ठीक है। और अगर आप 3D में देखें इसको, ऐसे 3D में देखें इसको, ऐसे अगर सीढ़ियां जा रही है, तो ये होता है आपका ट्रेड, ये होता है आपका ट्रेड, सॉरी, ये होता है आपका ट्रेड, ठीक है,
ये होता है आपका ब्रेड, ठीक है। तो ये होती है आपकी राइस, ये होता है आपका ब्रेड, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे पता है, बस आपको रिवाइज करा रहा था मैं, ठीक है। चलिए फिर, तो सेक्शनल एलिवेशन मेरे ख्याल समझ चुके हैं। अब देखिए ए बी समझ गए। देखो जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहला आपका काम है उसके सेक्शनल एलिवेशन को समझना, ठीक है। ए बी समझ गए, सी डी समझ गए। ए बी या सी डी में से किसी भी एलिवेशन में किसी को कोई डाउट है, फटाफट पूछो इसमें चैट में। किसी को भी ए बी या सी डी के एलिवेशन में कोई डाउट है, समझ नहीं पा रहा है वो कि सर कहाँ से काटा है, कैसे देख रहे हैं, ठीक है, कोई कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, चलो। उसके बाद एक और एलिवेशन है, वो है ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ कट रहा है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं ना, बाहर से हम यहां से लेकर यहां तक का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, समझ गए। ये डॉटेड लाइन बना हुआ है, हम लोग बाहर से इसको देख रहे हैं, ठीक है, सीडी को हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा डी ई एफ, डी ये है सेक्शन हमारा डी एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे खड़े होके इसको ऐसे देख रहे हैं, हमें क्या क्या दिख जाएगा, हमें ये बॉल दिख जाएगी, ये बॉल दिख जाएगी, ठीक है, बस इन्हें दिखेगा हमें। तो ये वाला एलिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब इस वॉल की बात कर रहे हैं, अब इस वॉल की बात कर रहे हैं ना, ये वॉल डॉटेड है, ठीक है, ये वॉल आपका डॉटेड है, ठीक है, ये वॉल है नहीं, ये बस उसकी बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए है, ठीक है। ये छोटे बॉल्स हैं, ठीक है, ये वाले बॉल्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली ना, ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, ये वाली दीवार दिख रही है आपको, मोस्ट प्रोबेबली ये वाली दीवार है, ठीक है। हम समझेंगे कौन सी दीवार है ये, मोस्ट प्रोबेबली ये इस वाली दीवार के बारे में, ये वाला दीवार आपको ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, ये वाला दीवार ऊपर दिख रहा है आपको, इसलिए ये डॉटेड है, ठीक है। चलिए फिर हम अगला अगला एलिवेशन समझते हैं। ये है वो एलिवेशन, ठीक है, सी ई एफ जी, कौन सा सी ई, स्पॉटलाइट लेता हूं मैं, ठीक है, सी ई एफ जी में क्या क्या दिख जाएगा। सी ई में तो आपको, सी ई में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एफ जी, ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बड़ा एलिवेशन है, ठीक है। जो भी एलिवेशन आपको बताता है ना, वो आप बस पेंसिल लीजिए, उसको ऐसे ड्रॉ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या दिखना चाहिए उसमें, ठीक है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा वो क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सी ई एफ जी में आपको सब चीजें दिख रही है, ठीक है, तो ये आपको सी ई एफ जी में, ये सी ई एफ जी, तो इसमें भी आप डिविजन बना लीजिए, तो ये आपको सी ई दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको शुरू हो गया एफ जी, ठीक है। एफ डी से आपको क्या दिख रहा है, रूम दिख रहे हैं अंदर के, ठीक है। तो यहाँ से देखो पता लग रहा है हमें कि बालकनी की जो हाइट है, जो बरांडा की हाइट है, वो रूम की हाइट से कम है, ठीक है, रूम की हाइट से कम है। उसमें देखो हमें आरसीसी का पिलर दिख रहा है साइड से, ठीक है, ठीक है, हमें छज्जा दिख रहा है, बहुत चीजें दिख रही है हमें, ठीक है। हमें क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या पता होना चाहिए वो हम समझेंगे सही से। यहाँ पे बस आपको एक चीज समझनी है, जो प्लिंथ वॉल की जो हाइट है, प्लिंथ वॉल की हाइट जो है वो 80 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कैसे पता लग रहा है हमें, जहां पे फुटिंग खत्म होंगे वहीं से प्लिंथ वॉल शुरू होगा, ठीक है, तो आपका ग्राउंड लेवल तो यहाँ पर है, ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर ऊपर तक प्लिंथ वॉल जा रहा है और ग्राउंड लेवल के 20 सेंटीमीटर नीचे प्लिंथ वॉल शुरू हो रहा है। टोटल प्लिंथ वॉल की हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, ये बताओ, ग्राउंड वॉल यहाँ, ग्राउंड लेवल यहाँ है, ठीक है, और प्लिंथ जा रही है 60 सेंटीमीटर तक ऊपर, मतलब रूम का बेस कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर ऊपर। तो फिलिंग की हाइट कितनी होगी बताओ, फिलिंग की जो हाइट है वो कितनी होगी, सॉइल फिलिंग करेंगे हम रूम के नीचे, उसकी हाइट कितनी होगी बताओ। ये सब गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये सब आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, 60 सेंटीमीटर बिल्कुल सही, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की फिलिंग होगी आपकी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये अच्छा अच्छा समझा आप लोगों ने, ठीक है। और फिलिंग कौन से सबहेड के नीचे आएगा, फिलिंग आपका कौन से सबहेड के नीचे आएगा, एक्सकेवेशन में तो आएगा, ठीक है, अर्थवर्क में आएगा, सॉरी अर्थवर्क में, अर्थवर्क में हमारे दो चीजें होती है काम की, एक होता है एक्सकेवेशन, दूसरा होता है अर्थ फिलिंग, ठीक है, समझ गए, तो बस ये समझना था इसमें, ठीक है। चलिए फिर
अभी सेशन टू का लिंक मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको, और सेशन टू में ये न्यूमेरिकल करते हैं हम, ठीक है, फटाफट ज्वाइन कीजिए आप लोग। चलिए सर, सेशन टू में हम पहुँच गए हैं, ठीक है। सेशन टू में मैं आपको सारे एलिवेशन समझा दिए थे, ठीक है, सारे बॉल्स का लेंथ वगैरह, विड्थ वगैरह समझ गए हैं आप, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात तो हम सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। मेन देखो रूम का समझ जाएंगे आप, बरांडा का थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं, सबसे पहली बात तो रूम्स का, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो ये कितना है, ये आपका 3.5 मीटर है, ठीक है। ये कितना है आपका, ये आपका 4 मीटर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 4x4 स्क्वायर स्क्वायर रूम है, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग वॉल का 3.5, ठीक है, प्लस 4, ठीक है, प्लस ये 0.3 जुड़ जाएगा उसमें, 0.3, और सेंटर टू सेंटर निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो इसके भी हाफ तक जाएंगे, इसके भी हाफ तक जाएंगे, और ये बॉल्स का हमें पता है कितना विड्थ है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 × 0.3/2, ठीक है, तो ये आपका 8.1 मीटर आ जाएगा लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर, ठीक है। बहुत बढ़िया महेंद्र शर्मा, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे आंसर्स दोगे तो अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम, शॉर्ट वॉल की, ठीक है। तो शॉर्ट वॉल में क्या है, हम सिर्फ रूम्स का निकाल रहे हैं, सिर्फ रूम्स का निकाल रहे हैं, तो शॉर्ट वॉल में आप ये बरांडा मत जोड़ लेना, ठीक है। तो ये आपका 4 मीटर है, ये भी आपका 4 मीटर ही है, ठीक है। तो 4, ठीक है, प्लस 2 × 0.3/2, ठीक है, रूम के शॉर्ट वॉल, ठीक है। हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, इसलिए आप ये मत बोलना कि सर आपने इसको इंटू थ्री क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अभी हम सेंटर लाइन मेथड से नहीं कर रहे हैं। सेंटर लाइन मेथड में हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सबका कंबाइंड सेंटर लाइन लेंथ निकालते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में हम लॉन्ग वॉल का अलग से, शॉर्ट वॉल का अलग से, फिर उनको टेबल में जाके इंटू द नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स इंटू द नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स करते हैं। इसलिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल थोड़ा आसान स्टेप है, क्योंकि समझना आसान है, ठीक है, पर थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि हम शुरुआत में ही ये इंटू प्लस ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यूनिटरी अप्रोच से जाते हैं लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल, इसलिए ये लंबा है बट इजियर मेथड है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बरांडा का समझना है हमें, ठीक है। बरांडा का देखो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम आउटर लेंथ एट प्लिंथ माइनस माइनस दिस एंड दिस, ठीक है, माइनस दिस, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ समझ में आया किसी को, नहीं समझ में आया ना, मैं आपको बता दूं क्या समझना है, ठीक है। देखिए 3.5 मीटर लेंथ तो है ही, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ये, ठीक है, 3.5 मीटर तो है ही, तो वो जोड़ दिया, ठीक है, प्लस 4 मीटर यहाँ का, उसको जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका 0.3 क्या जोड़ा मैंने, 0.3 इसको जोड़ा हमने, ठीक है, 0.3, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का नहीं, 20 सेंटीमीटर का बॉल है, ठीक है, 30 का नहीं है, 20 सेंटीमीटर का बॉल है, इसलिए इसका लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल हम अलग से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच तक जाएंगे, इसके बीच तक जाएंगे, ठीक है, 0.2/2 + 0.2/2। अब यार एक और बात तो है, 3.5 और 4 वो तब है जब उसका 30 सेंटीमीटर का बॉल है, जब उसका बॉल 30 सेंटीमीटर का है, बट यहाँ पे बॉल कितने का है, 20 का है कि नहीं। तो यहाँ पे 0.1 एक्स्ट्रा मिल गया, 0.1 मीटर एक्स्ट्रा मिल गया, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर 0.1 मीटर एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो 0.1 हमने ऐड कर दिया, 8.2 आ गया। यही मेन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मुझे बताओ चैट बॉक्स में, क्या आपको ये 8.2 मीटर समझ में आया। बी एन दत्ता में सिर्फ ये गिवन है, ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में अपना कैलकुलेशन खुद का लिखा है, ये भी आप लोग भी पेंसिल से लिख लेना, ठीक है, अपने बुक में बुक्स लेके बैठो, उसमें पेंसिल से लिखो, ठीक है, ठीक है। आपका यही मेन है, ठीक है, इसी से सब कुछ बदल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला 8.2 का एक्सप्लेनेशन, एक बार बता देना चैट बॉक्स में अगर सबको समझ में आ गया है 8.2 का एक्सप्लेनेशन। ऋषभ कुशवाहा बोल रहे हैं, आदित्य प्रकाश, मयंक शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग बोल, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे ना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए फिर रिसर्च में आ गया, फिर बरामदा साइड में क्या है, 2.5 मीटर, उससे हमने इसके हाफ तक गए, इसके हाफ तक गए, तो बस 0.3/2, 0.2/2, 2.75 हो गया, ठीक है। तो 8.1, 4.3, 8.2, 2.75, मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल हम पहले करेंगे, क्योंकि ये भले ही लंबा है बट ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, उसके बाद सेंट्रल मेथड तो आप चुटकी में सीख, चुटकी में समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए पॉइंट वन कैसे आया, मुझे पूछ रहा है। देखो पॉइंट वन इसलिए आया क्योंकि देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का बॉल है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का बॉल है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 मीटर यहाँ पे जो हो रहा है, ये 4 मीटर हो रहा है, ये 3.5 मीटर हो रहा है, ये तब हो रहा है इनर टू इनर लेंथ इसका, जब यहाँ पे बॉल आपके 30 सेंटीमीटर के हैं, बट यहाँ पर आपका बॉल कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है ठीक है, आपको समझ में आ गया। स्लेंडर स्लेंडर या स्लेंडर और थिनर बाउंड्री वॉल्स ऑफ वेरांडा, ठीक है, थिनर वेरांडा वॉल, ठीक है। आप ये लिख लेना पेंसिल से, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एस्टिमेशन लिखते हैं क्योंकि एस्टिमेशन में यही होता है, हम अभी समझ लेते हैं बाद में भूल जाते हैं कि अरे पॉइंट वन कहाँ से है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन है पेंसिल में पेंसिल से लिखते रहना अपने बुक में, ठीक है। चलिए फिर तो मैं क्लियर करता हूँ इसको, जन्म आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, फिर सबसे पहले बात कहाँ जाएंगे हम, सबसे पहले कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम, एक्सकेवेशन में जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, एक्सकेवेशन में, ठीक है। ये बताओ 8.1 मीटर तो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया था लॉन्ग बॉल का, कौन से लेवल पे, रूम के लेवल पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब एक्सकेवेशन में होंगे तो कहाँ पर होंगे हम, एक्सकेवेशन के लेवल पे होंगे तो लॉन्ग बॉल के लिए एक विड्थ बाहर जाएंगे और शॉर्ट बॉल के लिए एक विड्थ अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम किस किसके एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं, रूम्स की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ये बताओ, चलो ये बताओ रूम के लेवल पे एक्सकेवेशन के लिए कितना विड्थ है, रूम के नीचे, बरामदा की बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है, अभी बरामदा की बात नहीं हो रही है, अभी रूम की बात हो रही है, ठीक है। तो रूम्स के लिए, रूम्स के लेवल पे, रूम्स के नीचे आपका एक्सकेवेशन के लिए कितना विड्थ है, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए पीपीटी है, पीपीटी में मुझे बहुत सारे फिगर्स अकोमोडेट करने पड़ते हैं एक ही स्लाइड में, इसलिए आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा फिगर, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ, बीएन दत्ता की आप बुक लेकर बैठिए, ठीक है, बीएन दत्ता की आप बुक लेकर बैठिए, ठीक है, गेंदा की बुक लेकर बैठेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये, ठीक है ना। 70 सेंटीमीटर नहीं हो शुभम राज, 90 होगा, 70 आपका बरांडा के नीचे है शुभम राज, ठीक है, 90 आपका बरांडा के नीचे है, ये आपका बरांडा है, ठीक है। सेक्शनल एलिवेशन कौन सा है, ये सीई एफ जी, ये आपका कौन सा एलिवेशन है, ये आपका सीई है, तो देखो सीई कहाँ पर है, ये है सीई, तो सीई में जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, बरांडा दिख रहा है ना, सीई आपका ये है एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से देख रहे हो, देखो क्या दिख रहा है आपको, वरांडा दिख रहा है ना, ये आपका वरांडा है, ठीक है ठीक है। एफ जी हमें हमें रूम का करना है, तो हमें एफ जी देखना है, ठीक है, ये है एफ जी, एफ जी में हम यहाँ खड़े हैं और ये एलिवेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिखेगा रूम्स के बारे में, ठीक है, ये है एफ जी, ये है रूम, ठीक है। तो इसलिए सेक्शनल एलिवेशन है यहाँ पे, ताकि पता लगे हमें कि फाउंडेशन की विड्थ अलग अलग है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल समझ में आ गया सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए फिर तो बस लॉन्ग बॉल के लिए हम सेंटर लाइन में एक ऐड करेंगे और शॉर्ट बॉल के लिए एक हम माइनस करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग बॉल कितने हैं, दो, शॉर्ट बॉल कितने हैं, तीन, ठीक है। उसके बाद बरांडा, ठीक है, बरांडा फ्रंट, बरांडा फ्रंट मतलब ये बरांडा के लॉन्ग बॉल की बात कर रहा है, ये है बरांडा फ्रंट और ये है बरांडा साइड, ठीक है। वरांडा फ्रंट का हमने कितना निकाला था, 8.2 निकाला था सेंटर लाइन डिस्टेंस, ठीक है। उसमें हम 0.7 ऐड करेंगे, ये 0.7 समझ में आ गया ना, क्योंकि वरांडा के नीचे जो एक्सकेवेशन है उसका सबसे ज्यादा बिट कितना है लाइन कॉन्क्रीट के लेवल पे, कितना, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। 8.2 में 70 सेंटीमीटर ऐड किया तो ये तीन हमारे लेंथ आ गए, ठीक है। और वरांडा साइड्स क्या है, शॉर्ट वॉल है वो तो, है ना, तो उसमें क्या करेंगे ये समझना है आपको ठीक से, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था,
जब हम शॉर्ट बॉल की बात करते हैं तो दोनों साइड से हम सेंटर लाइन से एक हाफ विड्थ अंदर आते हैं, है ना। तो जब ये विड्थ दोनों इक्वल होते हैं तो ये दोनों मिलके कितने हो जाते हैं, इज इक्वल टू वन विड्थ, है ना। क्योंकि एक साइड से हम b बाई टू अंदर आते हैं, दूसरे साइड से भी b बाई टू अंदर आते हैं, तो b बाई टू कितना हो गया b, ठीक है। बट यहाँ पर आप अगर बरामदा साइड देखो, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर का विड्थ है, यहाँ पे 90 का विड्थ है, ठीक है। यहाँ से सेंटर लाइन से हम एक अंदर आए और यहाँ से हम सेंटर लाइन से एक विड्थ अंदर आए, ठीक है, हाफ विड्थ अंदर आए, ठीक है। इसलिए 0.9/2 0.7/2 माइनस हुआ, ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया कि नहीं, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट तो नहीं है बरामदा साइड्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, स्टेप्स की बात करेंगे भाई, स्टेप्स के लिए भी तो एक्सकेवेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल कहाँ है, हमारा ग्राउंड लेवल यहाँ है ना, ठीक है। और ग्राउंड लेवल के लिए ये एक्सकेवेशन करनी है कि नहीं करनी है, हमें करनी पड़ेगी ना, है ना। ग्राउंड लेवल से नीचे है ना ये वाला एक्सकेवेशन, ये जो स्टेप्स का फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसका देखो, हमें बी गिवन है, ब्रेड गिवन है 1 मीटर, ठीक है, ब्रेड आ गया, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर का इसका हाइट है, तो वो भी आ गया। देखिए बी अंदर तक लेके बैठेंगे ना, कोई डाउट नहीं आएगा आपको, ठीक है, आपको जो मैं बताऊंगा क्लियर होता रहेगा बिल्कुल। उसके बाद 2.9 मीटर दे लगा है लेंथ इसका, क्यों भाई, यहाँ पे 2.7 है, 2.9 क्यों ले रखा है, तो ये बस एक बेयरिंग मान ली है, ठीक है, ताकि देखिए जैसे अगर ये स्टेप है तो मान लिया है कि थोड़ा तो बड़ा फाउंडेशन होगा इसका, ठीक है, तो बस एक बेयरिंग मान ली है यहाँ पे 0.1 मीटर की और यहाँ पे 0.1 मीटर की, ठीक है, आपके ऊपर है, आप 2.7 प्लस 0.05 प्लस 0.05 कर ले, उसको 2.8 कर ले आप, ठीक है, या फिर उसको आप दोनों साइड से 0.1 प्लस 0.1 कर ले और उसको 2.9 मान ले, ठीक है। कोई डाउट है इस 2.9 में, कोई डाउट है, मेरे ख्याल सबको क्लियर है ये, ठीक है, 2.9 कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर तो 2.9 हो गया, उसके बाद आपका, अब हम क्या करेंगे, अर्थवर्क की फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो हम अब फिलिंग बताओ कहाँ कहाँ करेंगे, ये बताओ कहाँ कहाँ करेंगे, हम फिलिंग वहीं तो करेंगे जहां पर आपकी फाउंडेशन नहीं है, है कि नहीं, वहीं तो करेंगे जहां पर आपकी फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बाकी फाउंडेशन कहाँ नहीं है, जहां पर आपका प्लिंथ वॉल नहीं है, है कि नहीं। अब देखो ऐसे तो अगर आप किसी को बोलोगे वो इजीली बता देगा, अरे यार कुछ नहीं है, जितना रूम का जितना रूम का एरिया है ना उतने एरिया नीचे फिलिंग कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ये जो 4 मीटर 3.5 मीटर है ये किसके बलबूते पे है, ये यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का वॉल है इसलिए उनकी डायमेंशन ये है, ठीक है। पर प्लिंथ लेवल पे थोड़ी ना 30 सेंटीमीटर की वॉल है, प्लिंथ लेवल पे कितने सेंटीमीटर की वॉल है, 40 की, ठीक है, इसलिए इसका लेंथ और ब्रेथ कम हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम रूम वन की बात करते हैं, ठीक है, तो रूम वन में 4 मीटर में से हमें घटाना है, ठीक है, 4 मीटर में से घटाना है, तो 4 मीटर ये है आपका, ठीक है, तो इससे आपका यहाँ पे घट जाएगा और ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0.1 घट गया, ठीक है। और देखिए आप बोलोगे सर दोनों साइड से कटना चाहिए ना 0.1 0.1, तो ये 3.8 होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि आपका वॉल कहाँ है, सुपर स्ट्रक्चर का वॉल प्लिंथ के मिड पे है ना, ये 0.3 का है और ये 0.4 का है, तो यहाँ पर आपका 0.05 है, यहाँ पर आपका 0.05 है, समझे समझे, तो इसलिए यहाँ से 0.1 ही घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इसके विड्थ से भी 0.1 घटाएंगे, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी होगी, फिलिंग की हाइट कितनी होगी, भाई फिलिंग की हाइट यार सर आपने अभी निकलवाया था हमसे, यार आपने बताया सर 60 सेंटीमीटर की हाइट है फिलिंग की, तो यहाँ पे 60 तो है नहीं सर, क्यों ऐसा क्यों है, देखिए 60 यहाँ से लेकर कहाँ तक है, देखिए आपका 60 ग्राउंड लेवल से लेकर आपके डीपीसी की हाइट तक है 60, समझ रहे हो, डीपीसी की हाइट तक, ठीक है, 60 है 60 आपका डीपीसी के, तो 60 आपका डीपीसी की हाइट तक नहीं है, सॉरी एक मिनट रुको, 60 आपका अगर ध्यान से देखेंगे आपका लाइम सीमेंट कंक्रीट फ्लोर जो है उसके वहां तक है, ठीक है,
तो सबसे पहले 60 में आप क्या ऐड करो, डीपीसी ऐड करो। डीपीसी कितना होगा आपका, डीपीसी है 2 सेंटीमीटर का डीपीसी, ठीक है। आपका 60 प्लस 2 सेंटीमीटर का डीपीसी हो गया, तो कहाँ पहुंच गए हम, फ्लोर के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या हो रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पर हो रहा है 8 सेंटीमीटर का लाइन कॉन्क्रीट है यहाँ पे, समझ रहे हो। आपका आपका जो सीमेंट कंक्रीट की जो फ्लोर हो रही है, ठीक है, देखिए क्या होता है आपका, ये आपका प्लेंथ, ठीक है, प्लेंथ पे आपने 2 सेंटीमीटर की डीपीसी करी है, ठीक है। और ये इसके बाद यहाँ पर रूम है आपका, ठीक है, रूम के ऊपर आपने 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बिछाया है, ठीक है, सीसी फ्लोर। आपको सीमेंट कंक्रीट फ्लोर तो पता है, जिनके भी घरों में आपका ग्रे फ्लोर है ना, वही है ये, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक था, 60 सेंटीमीटर हमारा डीपीसी के बॉटम तक था, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसमें हमने और क्या ऐड किया, हमने ये 2 सेंटीमीटर का, हमने 60 सेंटीमीटर हमें गिवन था डीपीसी के बॉटम तक, और डीपीसी कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर ऐड करते ही हम ऊपर पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो 2.5 सेंटीमीटर का फ्लोर है ना, ये आपका 8 सेंटीमीटर के लाइन कॉन्क्रीट के ऊपर है, ठीक है। तो 62 सेंटीमीटर हो गया था हमारा, उससे हम क्या घटाएंगे, 8 सेंटीमीटर का लाइन कंक्रीट का जो फ्लोर है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये जो ग्रे ग्रे पार्ट है, ये ग्रे ग्रे पार्ट जो है ये आप घटाएंगे फिलिंग से, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिलिंग थोड़ी ना होगी, यहाँ पे तो लाइन कॉन्क्रीट है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का लाइन कॉन्क्रीट आप 62 से घटाएंगे, तो फिलिंग का हाइट कितना हो गया 54 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। ये फिलिंग के तीनों डायमेंशन सबको समझ में आ गई, कोई डाउट है, 5-6 लोग यस बोल दो चैट पर, समझ में आ जाएगा मेरे को, ठीक है, ठीक है। आपका रूम 1 के नीचे जो तो फिलिंग हो रही है, उसके तीनों डायमेंशन समझ में आ गए कि नहीं, समझ में आ गए, समझ में आ गए ना, ठीक है। देखिए फिलिंग में मेन आपका लेंथ एंड ब्रेथ ही है, ठीक है, हाइट में कोई डाउट आता भी है आपको तो आप अपने एक्सप्लेनेशन के साथ हाइट लिख दीजिए, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं आएगा उससे, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही एक्यूरेट है, फिलिंग जनरली हम लोग जरूरत से ज्यादा ही करते हैं हाइट पे, ठीक है। अगर आदित्य प्रकाश ओझा आपको हाइट समझ में नहीं भी आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको फिगर में देख के इंटरप्रेट कर पा रहे हैं उसको इंटरप्रेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 60 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे डीपीसी के टॉप तक दे रखा है, ठीक है, डीपीसी के टॉप तक दे रखा है, ठीक है। उसके ऊपर आपका क्या है, इसका बेसिकली फंडा क्या है, 60 सेंटीमीटर डीपीसी के बॉटम तक है कि टॉप तक है, वो आपको बहुत ध्यान से दिखकर देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर डीपीसी के ऊपर तक है, ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर डीपीसी के ऊपर तक है, ठीक है। उसके बाद आपका 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग हो रही है रूम पे, ठीक है, हमें बेसिकली रूम के टॉप तक पहुंचना है, ठीक है। और वो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर किसके ऊपर हो रहा है, क्या बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है भाई 2.5 सेंटीमीटर का जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, वो उसके नीचे 8 सेंटीमीटर का लाइम कंक्रीट भी है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होना चाहिए था आपका, आपका 60 में आपको 2.5 आप प्लस करते सीमेंट कंक्रीट फ्लोर का, उसके बाद 8 माइनस करते, ठीक है, 54.5 बनता आपका, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ हाइट में थोड़ी कंफ्यूजन आपको आ सकती है, ठीक है, तो वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है बस, ठीक है। जो भी करेक्ट वैल्यू है हाइट का, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे आप पहुंच गए वहां तक, तो आपका करेक्ट है, ठीक है। इतना एक्यूरेसी हम हाइट के साथ, फिलिंग की हाइट के साथ नहीं ला सकते, ठीक है। चलिए सर, इस फिलिंग में आपको ये मेक श्योर करना है कि लेंथ और ब्रेथ में आप प्लिंथ का, एक प्लिंथ का जो भी ऑफसेट है वो माइनस करें, ठीक है, यही आपका मेन टेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद रूम 2 का भी सेम सीन है, रूम 2 में भी आपका 4 मीटर क्रॉस 4 मीटर दोनों साइड से हमने 0.1 0.1 काट लिया, ठीक है। और बरांडा में भी आपका सेम ही है, ठीक है। अब बरांडा में ये बताइए, बरांडा में इनने 8.2 से आपका 0.3 काटा है, सेंटर लाइन से आपका 0.3 काटा है, क्यों काटा है, क्योंकि तो ये सेंटर लाइन है ना भाई, ये सेंटर लाइन है, तो यहां से हम अंदर आएंगे, यहाँ से भी हम अंदर आएंगे, क्योंकि इसके नीचे जरूरत नहीं है फिलिंग की ना, इसके नीचे जरूरत नहीं है फिलिंग की, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए, या फिर सीधा मान लीजिए कि यार देखो 0.3 मीटर का बॉल है, ठीक है,
0.3 मीटर का आपका बॉल है, लॉन्ग बॉल, लॉन्ग बॉल में आपका ये आपका 0.3 मीटर का, यहाँ पे एक मिनट रुको, 0.3 मीटर का आपका प्लिंथ वॉल है यहाँ पे, सॉरी आप प्लिंथ वॉल 0.3 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ से आप 0.3 अंदर आएंगे, यहाँ से ही 0.3/2 अंदर आएंगे, यहाँ से 0.3/2 अंदर आएंगे, टोटल कितना हो गया 8.2 माइनस 2 × 0.3/2, ठीक है, क्योंकि प्लिंथ वॉल की जरूरत नहीं है ना हमें यहाँ पर, तो रूम्स का हमें क्लियर डायमेंशन गिवन था, इसलिए हमने सिर्फ प्लिंथ का ऑफसेट माइनस किया। बट वरांडा का अगर क्लियर डायमेंशन गिवन नहीं है तो क्या करें भाई, सेंटर लाइन से प्लिंथ का हाफ और हाफ अंदर आ जाओ, है ना, सेंटर लाइन तक पहुंच गए थे हम, तो बस प्लिंथ का हाफ और हाफ अंदर, हाफ और हाफ और अंदर आ जाओ, ठीक है, समझ गए, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट वॉल में क्या, तो शॉर्ट वॉल में भी सेम चीज करनी है आपको, शॉर्ट वॉल में आपका 2.75 मीटर हमारा सेंटर सेंटर डिस्टेंस आया था, तो देखो यहाँ पर आपका प्लिंथ वॉल का विड्थ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3/2 यहाँ से काट दिया, और यहाँ पर आपका प्लिंथ वॉल का विड्थ कितना है 40 सेंटीमीटर, तो हमने 0.4/2 काट दिया, 2.4 पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो आपको एक फिलिंग, ये फिलिंग हमारा एक मेन टॉपिक, मेन न्यू टॉपिक था आज का, तो आपको क्या अर्थवर्किंग फिलिंग पूरी तरह समझ में आ गया, ठीक है। हाइट में कंफ्यूजन होगी इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है, हाइट में आप 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे भी हो गए तो कोई बात नहीं, करेक्ट ही होगा वो, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं आएगा आपका कैलकुलेशन में, बट लेंथ और ब्रेथ आपको ठीक से कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सटीक, ठीक है। तो क्या एक्सकेवेशन फिलिंग समझ में आ गया है सबको, अर्थवर्क इन फिलिंग, अर्थवर्क इन फिलिंग मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक था आज के क्लास का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर हम क्या करेंगे, लाइन कॉन्क्रीटिंग करेंगे, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है, लेंथ वेंथ कैसे निकालना है, ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे 9 मीटर लेंथ आई थी, ठीक है, वैसे ही आपका 8.1 सेंटीमीटर आया था, 8.1 मीटर आया था हमारा सेंटर सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एक विड्थ ऐड कर देंगे, तो बस वो 9 मीटर हो गया, और 0.9 मीटर क्या है, 0.9 मीटर उसकी विड्थ है, ठीक है, 0.9 मीटर विड्थ आ गई, हाइट गिवन है, मेरे ख्याल से ये भी आपका समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थ फिलिंग के लिए शिव कुमार डिडक्शन कहीं भी नहीं करेंगे ना हम, अर्थ फिलिंग के लिए बस प्लिंथ का जो ऑफसेट है, जो प्लिंथ का एक्स्ट्रा विड्थ है वो हम माइनस कर देंगे और कोई डिडक्शन नहीं करेंगे अर्थ फिलिंग में, ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिकली अर्थ फिलिंग वहीं पर होगा जहां पे आपकी फाउंडेशन या प्लिंथ वॉल नहीं होगी, ठीक है, तो आपको बस प्लिंथ के ऑफसेट डिडक्ट करने, ठीक है। क्वेश्चंस करिए, फिलिंग का क्वेश्चंस करिए, फिलिंग का आपको लेंथ ब्रेथ में कैसे डिडक्शन करना है तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। बेसिकली क्या बताया था मैंने, जैसे यहाँ पे आपको 4 मीटर है, तो 4 मीटर आपको तब है जब आपका वॉल 30 सेंटीमीटर का है, बट क्या हम फिलिंग 30 सेंटीमीटर की वॉल के लेवल पे कर रहे हैं, नहीं, हम फिलिंग 40 सेंटीमीटर प्लिंथ के लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग 0.1 घटा दिए थे उससे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो लाइन कॉन्क्रीट समझ में आएगी आपको, लाइन कॉन्क्रीट में ट्रिक बता दिया आपको, लाइन कॉन्क्रीट और एक्सकेवेशन में लेंथ ब्रेथ का कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हाइट का होता है, इसलिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिखी भी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा एक्सकेवेशन हो गया, अर्थवर्क इन फिलिंग हो गया, लाइन कॉन्क्रीट हो गए, तीन चीजें हो गई हमारी, ठीक है, बहुत बढ़िया, तीन चीजें समझ में आ गई हमें, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन ब्रिक मोर्टार ऑफ 1:6 अप टू प्लिंथ, ठीक है, फाउंडेशन में और प्लिंथ में करना है, ठीक है। चलिए फटाफट मेरे को ये 81 मिनट, सबसे पहले है रूम्स का, सबसे पहले रूम्स की बात करेंगे हम, ठीक है, रूम्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग बॉल्स की, ठीक है। देखिए आप देखेंगे लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए समझना आसान है, भले ही थोड़ा लंबा मेथड है, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग बॉल्स की बात करेंगे, लॉन्ग बॉल्स की बात करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट पुटिंग में लॉन्ग बॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 8.1, ठीक है, लॉन्ग बॉल्स के लिए विड्थ से एक विड्थ बाहर जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फुटिंग का विड्थ कितना है 70, ठीक है, 8.1 प्लस 0.7, ठीक है, 8.8 हो गया। सेकंड फुटिंग में क्या होगा, 8.1 प्लस सेकंड फुटिंग का विड्थ कितना है 60.6, ठीक है, ऐसे होता जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता जाएगा, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। और कितने होंगे ये लॉन्ग बॉल, कितने हैं भाई, एक लॉन्ग बॉल, दो लॉन्ग बॉल, ठीक है, नो डिडक्शंस यहाँ पर, यहाँ पे कोई डिडक्शंस नहीं होगा,
ठीक है, तो पता ही है क्यों नहीं होगा भाई, दरवाजा रिडक्शन कहाँ शुरू होता है, थंब रूल प्लिंथ के ऊपर, ठीक है, रिडक्शन आर स्टार्टेड एट द लेवल ऑफ प्लिंथ, ठीक है, फ्रॉम द लेवल ऑफ प्लिंथ, ठीक है, ठीक है। तो बस आपको ये समझना था, नंबर समझ गए आप, ब्रेथ तो गिवन ही है फिगर में, ठीक है, हाइट आपको फिगर में देखनी है, प्लिंथ वॉल को मैंने हाइट यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डाल रखा है, प्लिंथ वॉल कैसा आपका 80 सेंटीमीटर होता है पूरा यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद ये चीज ऐसे चीज किसका करेंगे हम, ये आपका हो गया, उसके बाद किसका करेंगे हम, शॉर्ट वॉल का, शॉर्ट वॉल कितने हैं आपके, एक दो तीन, ठीक है, तीन शॉर्ट वॉल्स, तो ये तीन शॉर्ट वॉल्स आ गए, ठीक है। शॉर्ट वॉल में क्या करते हैं हम, एक ब्रेड बी बाई टू अंदर जाते हैं, बी बाई टू अंदर, दोनों तरफ से बी बाई टू अंदर जाएंगे हम, ठीक है, दोनों तरफ से हम बी बाई टू अंदर जाएंगे, तो बी बाई टू, बी बाई टू, एक बी हो गया, ठीक है। और सेंटर डिस्टेंस कितना था हमारा शॉर्ट वॉल का, 4.3, तो बस यहाँ पर हम 0.7 माइनस करेंगे, यहाँ 0.6, यहाँ 0.5, यहाँ 0.4, ठीक है, तो बस वही चीजें हो रही है। सबसे तो पहले 0.7 माइनस किया, 3.6 आ गया, ठीक है, फिर 0.6 माइनस किया, 3.7 आ गया, ठीक है, फिर 0.5 माइनस किया, ठीक है, 3.8 आ गया, देखिए ऐसे आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और इसका ब्रेड तो हाइट आपको पता ही है, ठीक है, तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। चलिए फिर बरांडा, बरांडा में हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आया था लॉन्ग वॉल का, 8.2 मीटर, ठीक है, सबसे पहले हम 50 की बात करेंगे, 8.2 प्लस 0.5, ठीक है, 8.7 आ गया, फिर कहाँ पर है आप, उसके बाद 40 सेंटीमीटर की फुटिंग है आपकी, ठीक है, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा इसलिए बोल रहा हूँ, बुक लेके बैठिए, बुक लेके बैठिए इसका, ठीक है। तो बस 8.2 प्लस क्या होगा, 0.4 हो जाएगा, फिर उसका प्लिंथ कितना है, इसके प्लिंथ बीम का, प्लिंथ इसके प्लिंथ बीम का विड्थ है 0.3, 8.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.5, 8.5 सॉरी, ठीक है, 8.5, ठीक है। तो ये आपको लेंथ समझ में आ गए, ठीक है, और नंबर तो एक ही है लॉन्ग वॉल का, ठीक है, लॉन्ग वॉल तो एक ही है भाई इसका, ठीक है, ठीक है, और इसका विड्थ का गिवन ही है 0.5, 0.4, 0.3, और हाइट आपको यहाँ से देख लेनी है, ठीक है, सबसे पहले है 0.2, फिर 0.1, फिर उसके बाद 0.9, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लिंथ वॉल का जो हाइट था रूम्स के नीचे वो कितना था, 0.8, और आपका यहाँ पर कितना है, 0.9, ठीक है ना, ये डिफरेंस है, ठीक है ना, ये आपका एक डिफरेंस है रूम्स के अंदर, और इसलिए रूम और बरांडा का, इसलिए रूम्स और बरांडा, रूम्स विद बरांडा का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको बरांडा और रूम्स का अलग अलग निकालना होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर शॉर्ट, इसी के शॉर्ट वॉल्स की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट वॉल कितने हैं, एक ये शॉर्ट वॉल, एक ये शॉर्ट वॉल, ठीक है, ठीक है। इसके शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आया था, 2.75, ठीक है। बस उससे हम यहाँ, उससे सबसे पहले हम कहाँ पर हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट फुटिंग में हैं, तो फर्स्ट फुटिंग 50 है यहाँ पे, तो इसका 0.5/2, ठीक है, ये ट्रिकी है, ठीक है, ये ट्रिकी है, ध्यान रखना है आपको, ये देखना है कि भाई इसके 0.5 में यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की फुटिंग है, ठीक है, यहाँ 0.5/2, यहाँ 0.7/2, ठीक है। ये बताओ इसमें कोई डाउट है, यह थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसमें कोई डाउट है बताओ, तीन चार लोग यस बोल दो, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर सबको, कोई डाउट तो नहीं है इस वाले पार्ट में, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए फिर यहाँ पहुंच गए हम, उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे हम, उसके बाद हम, ठीक है, फिर प्लिंथ वॉल है, ठीक है, प्लिंथ वॉल की बात हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्लिंथ वॉल 10 सेंटीमीटर अबव द फुटिंग, ठीक है, चलिए काम करते हैं, जहाँ तक मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहीं तक खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ तक हमने, हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद आपका डीपीसी है, ठीक है, फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप समझिए इसको, ठीक है, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, और इसका जो डीपीसी सुपर स्ट्रक्चर है ये आप खुद करिए, 2.15, ये समझना है आपको, देखिए
क्या था आपका, सबसे पहले सेंटर लाइन डिस्टेंस निकाल लिया बनाने का, ठीक है, 2.5 + 30 सेंटीमीटर बाई 2 प्लस 20 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2.75, ठीक है, सेंटर लाइन आ गया। उससे आपको अब शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल में आपको हाफ हाफ विड्थ दोनों साइड से माइनस करनी है, ठीक है, और किसके लेवल पे, फुटिंग के लेवल पे, ठीक है, तो फुटिंग के लेवल पे आपका एक साइड में कितनी विड्थ है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 0.5 बाई 2 आपने माइनस कर दिया, ठीक है, फिर दूसरी तरफ आपके रूम की तरफ कितना, रूम की तरफ कितना है इसका, आप अगर थोड़ा सा लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला जो फुटिंग है इसका विड्थ हमें गिवन है ऑलरेडी कितना, 70 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हम और माइनस कर देंगे, ठीक है, 0.7 बाई 2, ठीक है, कितना घट गया ये आपका 0.6 घट गया, ये 2.15 हो गया, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, अब मेरे क्या समझ में आ गया 2.15 कैसे आया, ठीक है। हाँ इतने प्रकाश ओझा, देखो इसके बाद डीपीसी होगा और उसके बाद आपका होगा ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये तो और मेन पार्ट है जो आपको खुद समझना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में डीपीसी और जो सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क है वो खुद समझना है, और अगले अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट आपको ये समझ के रखना है पहले ही, ठीक है ना, आपको ये पहले ही समझ के रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका डैम प्रूफ कोर्स है एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपको वो समझ के रखना है, ठीक है। चलिए फिर अटेंडेंस स्टार्ट होती है, अटेंडेंस स्टार्ट है, ठीक है, चलिए अपना अटेंडेंस लगाना शुरू कीजिए, नाम लिखिए और रोल नंबर लिखिए, BTE रोल नंबर, ठीक है, चलिए फिर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है, चलिए फिर ये भी मैं बता देता हूँ इसके बाद क्या क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या है आपका प्लिंथ वॉल है, ठीक है, देखिए आपका प्लिंथ वॉल शुरू कहाँ से हो रहा है, आपका प्लिंथ वॉल आपका शुरू 10 सेंटीमीटर अबव फुटिंग है, ठीक है, और उसके बाद 80 मीटर और है, ठीक है, टोटल कितना है, 90 मीटर का है टोटल, 90 सेंटीमीटर का है टोटल, ठीक है, तो उसका उसने अलग अलग से ले लिया है, ठीक है, अब अलग अलग से क्यों लिया है, क्योंकि जो आपका प्लिंथ वॉल है, आपका जो प्लिंथ वॉल है उसका उसको जो ब्रेथ उसको जो ब्रेथ घटा रहे हैं हम, देखो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है, ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है जब फिर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि एक जब उस टोटल 9 सेंटीमीटर का वॉल है, ठीक है, टोटल आपका 90 मीटर का वॉल है, 90 सेंटीमीटर का प्लिंथ वॉल है, ठीक है, उसका पहला जो 0.1 मीटर है उस पर आपकी विड्थ क्या क्या है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर की हाइट पे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पर आपका 0.5 मीटर है, ठीक है, आपका रूम के नीचे का फाउंडेशन का विड्थ, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 0.3 तो है, ठीक है, तो 0.5 और 0.3 हमने बाई टू काट दिया, पर उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर 0.3 ही है, पर उसके जस्ट ऊपर रूम के नीचे 0.4 हो जाता है, ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है यहाँ पर, इसलिए प्लिंथ वॉल का जो कैलकुलेशन है हमने दो सब पार्ट्स में किया है, ठीक है, ये आपको समझ जाना है, ठीक है, जब बुक से करेंगे आप, ठीक है, आपको समझ जाना है कैसे हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना, इसलिए इस प्लिंथ वॉल को जो ये आपका बरांडा के शॉर्ट वाला प्लिंथ वॉल है इसलिए उनको इनने अलग अलग पार्ट में किया है, ठीक है, उसके बाद स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स को कैसे करना है वो तो पता ही है आपको, ठीक है, आपको 2.7 मीटर का इसका लेंथ है, ठीक है, इसका विड्थ आपका 0.9 मीटर का है, ठीक है, विड्थ 0.9 मीटर का क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो 1 मीटर है ये आपका यहाँ से, ठीक है, ये 1 मीटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफसेट लिया होगा इनने, ठीक है, जो आपका ऑलरेडी फुटिंग के अंदर आता है, ठीक है, आपका जो ब्रिक वर्क होगा, आपका जो ब्रिक वर्क होगा यहाँ पर आपका ऑफसेट है, ये 1 मीटर का
लाइन कंक्रीटिंग तो है पर ब्रिक वर्क यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ ब्रिक वर्क नहीं है, ये आपका पार्ट 0.1 मीटर का है, इसलिए इसमें 1 माइनस 0.1 0.9 मीटर का लिया है, क्योंकि ब्रिक वर्क आपका जो है आपका पूरा उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। ब्रिक वर्क आपका फाउंडेशन से 1.1 मीटर कम हो रहा है, ठीक है, और हाइट गिवन नहीं है इसमें 50 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है, फिर सेकंड स्टेप की बात होगी, फिर थर्ड स्टेप की बात होगी, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ये कम होता जा रहा है, ठीक है, कितना कम होता जा रहा है, देखो कितना कम होता जा रहा है, 0.3 कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रेड कितना है हमारा, इसलिए मैंने बताया था ट्रेड और राइज, कितना है हमारा ट्रेड, हमारा ट्रेड 0.3 मीटर का है, ठीक है। चलिए फिर, तो मैंने कहा सबका अटेंडेंस रख चुका है, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए फिर, उसके बाद आपका जो बाकी है वो आपको खुद करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क और रहता है और डीपीसी रहता है, ठीक है, आपको वो खुद समझना है, ठीक है। तो पीडीएफ में पूरा शेयर कर दूंगा, पूरे क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप जितना और समझ सकते समझ लीजिए आप, मेन पार्ट यही है किसी भी एस्टिमेशन का, ठीक है। तो आज हमने बहुत बाकी बड़ा क्वेश्चन किया है, आपको ये समझना है, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, अब हम फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे आज वेंसडे है ना, हाँ फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे को नहीं मिलेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को या फिर सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है, कल शाम को या फिर सैटरडे को हम लोग मिलेंगे फिर से, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, सबका अटेंडेंस हो चुका है, ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।